अभी इस वक्त हम पूर्णिया जिला में मौजूद हैं और एक कहानी आप जरूर पढ़े होंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, रसरी जावत आवत सिल पर परत निशान। जी हाँ, हमारे साथ एक रूपम नाम का यहाँ पर देख सकते हैं मैडम है, और इनका पूरा जीवनी का कहानी अगर सुनेंगे ना, दोनों हाथ नहीं है और हाथ नहीं होने के बावजूद भी इसके अंदर में जो टैलेंट है आप लोग देखिएगा तो आपका इनके सन रह जाइएगा। और इनके इनके बारे में बता दूं, ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे भी कम नहीं है। कहते हैं हाथ नहीं होने के बावजूद लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि नहीं होने के बावजूद भी, हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। और आइए हम रूपम से जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं। अपने मुंह से हम नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे तो ये लगेगा कि आप लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं। इन्हीं से सब कुछ जानेंगे और खुद ये बताएंगे और क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ तक ये पढ़े हैं, पूरा कहानी इसके जीवनी आप लोगों के सामने ये अपने खुद रखेंगे। पहले मैडम, आपको हम तक न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं अपने बारे में सोचते हैं, खुद आप अगर आप बताएंगे तो शायद उन लोगों को सीख भी मिलेंगे और हमको लगेगा जिनको हाथ पैर नहीं है उनको कुछ अपने अंदर में जुनून भी आएंगे, तो शायद हम बेहतर है कि अपने तरफ से बता दें। जी, मेरा नाम रूपम कुमारी है और मैं दोनों हाथों से दिव्यांग हूँ। प्रेजेंट में मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से मैं PhD कर रही हूँ हिंदी विषय में। जी। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप जो हैं अभी क्या क्या कर लेते हैं हाथ नहीं रहने के बावजूद। जो आदमी, जो भी लेडीज है, बहुत सारे आदमी रोड पे चले जाते हैं हाथ नहीं रहने के बावजूद भीख मांगने चले जाते हैं, कुछ दे दीजिए हमारा जो है कि जीवन कैसे कटेंगे, लेकिन आपसे उन लोगों को सीख लेने की जरूरत है। और कहने की आप शिक्षा मंत्री भी आपको सम्मानित किए हैं, आप एक ऐसा काम कर चुके हैं पूरा बिहार में, आप अभी वायरल भी चल रहे हैं, आप बहुत ट्रेंडिंग में भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्टर पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहिएगा उन तमाम दिव्यांग व्यक्ति को? मैं यही कहूंगी कि इस तरह से जिंदगी काटना मतलब अच्छी बात नहीं है। अगर डिसेबल है तो हिम्मत रख के, हौसला रख के और अपना लाइफ को सेटल करने का कोशिश करे। जी, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत आप करके हमारे दर्शकों को दिखा दे, जो कि जो और लोग सुनने से उसको लगेगा कि नहीं ये तो मतलब जो कि खाली बोल रहे हैं करके दिखा नहीं रहे। मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत आप दिखा देते तो बेटर रहेंगे। लिख रहे हैं, आप लोगों को बिलीव नहीं कर सकते हैं जो कुछ ऐसा नहीं। देखिए किस प्रकार से वर्ड कितना अच्छा, किस प्रकार से इसका राइटिंग कितना अच्छा लिख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं आप लोगों को। ये कोई चमत्कार नहीं, और आप देख सकते हैं इसका मेहनत है, जो कई स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल करके और अभी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। देखिए स्ट्रगल इसका कितना रंग लाते हैं, और कहीं ना इसी देखते हुए शिक्षा मंत्री, बिहार का शिक्षा मंत्री इनको सम्मानित भी किया है, बहुत सारे चीज को इसको देख करके टैलेंट जो कूट कूट के भरा हुआ दिख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरा लिखे, अपना नाम लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, पूरा अपना कौन से स्कूल पढ़े हैं, सारा चीज लिख रहे हैं। और इस तरह से कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से ये थोड़ा लिख रहे हैं। और ये बता दूं कि सारा सब कुछ करते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं और सब्जियां भी काट लेते हैं, पूरा घर का जो एक महिला कर पाते हैं वो सारा काम ये कर लेते हैं। और ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, जिनको ये सब चीजों से नहीं कर पाते उनके लिए सीख है, प्रेरणा है और इनसे सीखना चाहिए। और आइए इनसे भी सुनेंगे और भी बताएं। अच्छा ये बताइए, जो बिहार का जो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके पास दिव्यांग है, हाथ पैर नहीं है, वो उनको आप अपने बारे में क्या कहिएगा इस चीजों के लिए, आप क्या कहिए? देखिए मैं कहूंगी कि पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन सबसे मेन बात है क्या, बिहार सरकार का यहाँ पे जो है ना वो तो खुद दिव्यांग बन जाता है, तो इसीलिए जो है दिव्यांग व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसको आरक्षण नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, प्लस और उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए रूपम जी कि आप जो है आगे बढ़ के क्या चीज करना चाहते हैं बिहार के लिए, क्या आपके जो अंदर में होता है क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी मैं अभी PhD मेरा थीसिस सबमिट नहीं हुआ है, PhD होने के बाद मैं प्रोफेसर बनूंगी, मैं प्रोफेसर बन के कॉलेज में मैं सेवा दूंगी, बच्चे को मैं शिक्षा प्रदान करूंगी। देखिए बहुत अच्छी बात है, और रूपम जी का जो सोच है ये सोचने लायक है। और जो बच्चा है जो पढ़ रहे हैं उनको अपने तरफ से क्या, क्योंकि एक प्रोफेसर बनने आप सोच रहे हैं कि बनना चाहते हैं, जो आज के युवा भटक रहे हैं दूसरा दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मतलब जो कि प्रतिक्रिया है?
देखिए, अगर मतलब अगर कोई भटक रहे हैं तो उनको सही, मैं यही कहूंगी कि सही रास्ते पे आए, अपना जो कर्तव्य होता है वो अपना कर्तव्य करे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपना जो सभ्यता संस्कृति है उस पे ध्यान दे, ताकि गांव समाज का मतलब विकास हो सके और नया पीढ़ी जो आता है उसमें सुधार हो सके। अच्छा, आपको हाथ नहीं रहने के बाद, दिव्यांग होने के बावजूद भी आप सेवा दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और ये आपको कहाँ से, मतलब आपको लगा कि नहीं, हम हाथ नहीं रहने के बावजूद भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जज्बा आपके अपने जुनून कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि इंसान को आर्थिक स्थिति कुछ भी करवा देता है, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो मैं सोची अपना भी पढ़ाई लिखाई करना है, तो मैं कोचिंग स्टार्ट किए, तो बच्चे सब पढ़ने आते हैं तो पढ़ाते हैं, अच्छा, इस वजह आपके से पास भी कितना मतलब स्टूडेंट है? अभी लगभग वही 100-125 के आसपास है। अच्छा, आप अभी सबको मतलब पढ़ा रहे हैं, कितने क्लास तक आप पढ़ाते हैं यहाँ? मेरे पास 1+5 सब का स्टूडेंट सब आता है, मेरे हस्बैंड के पास 10+12 सबका आता है। अच्छा, ये जो आप, ये आपका जो दिव्यांग हुए, कब हुआ, कैसे हुआ था, ये दोनों हाथ आपका नहीं रहा? बचपन से हुआ है। बचपन से ही है आपका? अच्छा, ये जो है कि जैसे कि आप जैसे पढ़ने के लिए पहली बार, जैसे आपको इसमें बहुत सारा आपका मेहनत हुआ होगा, लिखने में दिक्कत आया होगा, समस्या आया होगा, जो इस चीज़ को आपको झेलना पड़ा है, पढ़ने के लिए जाते होंगे तो बहुत सारे आदमी आपको ताना देते होंगे, हाथ नहीं है फिर भी आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, ये सब चीज़ को आपको बहुत जी होता था, लेकिन उसको इग्नोर करके चलने में फायदा था, उसको इग्नोर करके चले आज यहाँ तक हम पहुँचे आपके हैं। अंदर में जुनून था कि नहीं, हम इस लोगों को दिखाना है, हाथ नहीं रहने के बावजूद भी हम कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने जी के। बिल्कुल, मेरा यही सोच था और है भी, आगे मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। अच्छा, जब आप प्रोफेसर बनिएगा, सबसे पहले आपका सेवा करना और मौका मिले तो क्या चीज के लिए पहले आप मतलब उस चीज को आपको करना है आगे? देखिए, मैं प्रोफेसर बनूंगी तो सबसे पहले मैं, अभी जैसे मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बच्चे को अभी पैसा लेती हूँ पढ़ाने का, तो मैं सबसे पहले मुफ्त में शिक्षा दूंगी अपने समाज में। बहुत बड़ी बात बोले हैं रूपम जी, देखिए इनको, देखिए ये जो है मजबूरी में बच्चा से पैसा ले रहा होगा, मुझे पता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति के पास ऐसा दिल होता है ना, इनके पास शायद पैसा होता ना तो आज मुझे लग रहा है कि इनसे 2 गुना बच्चा आता और सबको शिक्षा मुक्त होता। जी बिल्कुल, मैं सबको अपने तरफ से बहुत भरपूर कोशिश करती, मेरे समाज का बच्चा आगे बढ़े, जहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ मेरे समाज का बच्चा भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, भविष्य में अपना नाम रोशन करे, साथ में मेरा भी नाम रोशन हो। अच्छा रूपम जी, ये चीज बताइए कि आपके तरफ से और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए क्या आपके तरफ से राय है उसकी? उन्होंने मुझे कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा में, उन्होंने मुझे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे और अपने हाथों से सेमिनार का सर्टिफिकेट प्रदान किए, और मुझे देखने के बाद उन्होंने मुझे 25,000 रुपये का चेक प्रदान किए, मेरे मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए और मेरा शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुझे 25,000 रुपये का चेक प्रदान किए, इसके लिए मैं उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए ये रूपम जी का प्रयास है और इसका प्रेरणा, ये यूं ही नहीं बोल देते हैं, इस तरह से स्ट्रगल करने के लिए इनका मेहनत है और न जाने कितना इसके लिए स्ट्रगल किए होंगे और तब जाकर के आज ये मुकाम पर पहुंचे, इतना पढ़े लिखे। आजकल के युवा तो इंटर मैट्रिक करने के बाद दूसरा दिशा में बढ़ जाते हैं, या लड़का लड़का हो या लड़की हो, हाथ है भी फिर भी आज दूसरे दिशा में भाग जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने मैट्रिक इंटर करते ही अपना अस्तित्व को खत्म कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बाल बच्चे शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं और बाल बच्चे पैदा करके अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन एक महिला आप हैं जो इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी अभी पढ़ रहे हैं और दिखा दिए कि इतना मेहनत रंग हमारे ला सकते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा दर्शकों को कुछ थोड़ा आप अगर बोलिए, उनके बाद हम थोड़ा आपका जो और भी कोई काम है उस चीज को दिखाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम है और मैं सभी भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा भी एक चैनल है, यही हाल फिलहाल मैंने क्रिएट किया है, DR रूपम है, ये यहाँ पे देख लीजिए, बोल दिखाइए, DR रूपम इनका जो है कि यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी यही लिखा हुआ है। फेसबुक पेज पर भी इसका यही नाम है और आप लोग जाइए DR रूपम सर्च करिए और इस चैनल को प्यार दीजिए, सब बहुत हमारा दर्शकों को दिखाइए, जिससे जो कि जिस जो दिव्यांग उनको जुनून और उनके अंदर में हौसला मिले। मैं थोड़ा बहुत दिखा दीजिए थोड़ा।
देखिए ये आप ये दिखाने जाएंगे कि एक दिव्यांग होने के बावजूद भी, इसके दोनों हाथ नहीं रहने के बावजूद भी कुछ ये कितना काम कर लेते हैं, जो एक महिला घर का हर एक वो काम करते हैं, जो महिला खाने से पीने से लेकर के जो भी आप बर्तन वगैरह धोना और चूल्हा पे जाके खाना बना लेना, देखिए वो सारा तमाम काम कर रहे। देखिए देखिए इसके पास हाथ नहीं है लेकिन किस प्रकार से सब्जियां काट लेते हैं, खाना बना लेते हैं, ये तो अद्भुत है, चमत्कार है, इनको कहें तो कम नहीं है। देखिए किस प्रकार से सब्जी काट रहे, देखिए देखिए किस प्रकार सब्जी को काट, आलू काट रहे हैं, आलू छील रहे हैं, देखिए वाह क्या टैलेंट है। देखिए किस प्रकार से आलू को काट रहे हैं और किस प्रकार से काट रहे हैं सब्जियों को, और आप लोगों इसको देख करके शायद आप लोगों को भी सोच रहे होंगे कि एक पैर से कैसे काट लेते हैं, और सोचिए पूरा परिवार में खाना खिलाते हैं, इसी तरह से सब्जियां बनाते हैं, रोटी रोटी भी बेल लेते हैं रूपम जी क्या? हाँ सारा काम कर लेते हैं, रोटी भी बेल लेते हैं पैर से ही। हाँ वाह क्या बात है, रोटी भी बेल लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, सब्जियां भी काट लेते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप चूल्हा जला कर दिखा दीजिए, देखिए चूल्हा जला रहे हैं, शायद हम लोगों को लग रहा है चाय भी बना के पिलाए। देखिए इधर चाय, इधर चाय का जो कप रखा हुआ, प्लेट रखा हुआ है, शायद चाय बनाया। देखिए लाइटर लिया और लाइटर लेकर देखिए चूल्हा किस प्रकार जला रहे हैं, देखिए हाँ देखिए किस प्रकार से चूल्हा को जलाया। अब आप सोचे थोड़ा हंडी रखिए इस पे, देखिए दूध का हंडी है, किस प्रकार से इस पे रख रहे, देखिए उठा करके, वाह क्या बात है क्या बात है। देखिए ये दूध को गर्म कर लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, और देखिए किस प्रकार से चूल्हा को जलाए हैं, क्या बोल घर का जो महिलाएं का जो काम होता है वो तमाम काम कर लेते हैं। देखिए ढक्कन रख रहे किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से रखे आप जैसे देख ले देख रहे हैं, वहां सारा काम जो करना चाहिए एक महिला को घर का तमाम वो काम कर लेते हैं। हमको बहुत खुशी हुई, आइए और रूपम जी से बात करते हैं और वीडियो के अंत करेंगे। लास्ट अपना वो तमाम आपको चाहने वाले दर्शकों को क्या बोलिएगा? मैं यही बोलूंगी कि मुझे सपोर्ट करें, सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अभी बहुत मतलब मैं कमजोर हूँ सभी रूप से, मुझे आगे बढ़ना है और समाज में कुछ करना है, ये देश में कुछ करना है, तो इसीलिए मुझे सबका प्यार आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं YouTube चैनल बनाई हूँ, वो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और चलिए वो धन्यवाद जी, चलिए तमाम वो चीज आपको दिखाएं। अगर देखिए आपको पहली बार हम जब शुरू किए थे, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रसरी जावत आवत सिल पर परत निशान, ये जो कहानी कहे थे आप कविता सुनाए थे, यूं नहीं यूं ही नहीं सुनाए थे, इनके लिए जो सोचिए हिम्मत, हमेशा सफल का सोचिए जो सफल बना पाए। लेकिन इसीलिए हम आपको लोगों को बोले हैं, आप लोग इस वीडियो को क्या किस तरह से सोचते हैं देखते हैं, कमेंट करके अपना अपना राय विचार जरूर रखें इस वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज, हम तक एक्सप्रेस, जय हिंद जय भारत।